हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चाय। आजकल तो मौसम चल ही रहा है बारिशों का, तो क्यों ना हम चाय ही बना लें। और वैसे भी हम बहुत बड़े चाय लवर हैं, तो चाय तो बनती है। और इस मौसम में आप एंजॉय कीजिए चाय को गर्मा गर्म। सो कीप वॉचिंग। ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड इज प्लेन वाटर, मिल्क, शुगर, टी लीव्स, टू ग्रीन कार्डमम, अ स्मॉल पीस ऑफ जिंजर। इन दिस मॉर्टर एंड पेसल वील एड टू ग्रीन कार्डमम्स एंड दिस जिंजर एंड वील जस्ट कोर्सली क्रश इट। That's it. It's done. See? Now take this chai ka pan and switch on the gas. Now we are going to add 1 glass of water. A glass of milk. And this half milk. Now we'll wait till there's a boil. You know what guys, I am in love with tea. I am seriously a chai lover. मुझे जहां भी चाय मिल जाए, जो भी मेरे से जितनी बार भी चाय मांग पूछ लेना कि आपको चाय पीनी, आई विल नेवर से नो, आई विल ऑलवेज से यस। मुझे हमेशा ही चाय चाहिए होती है, इसलिए मेरे घर में तो एक 1 लीटर का थर्मस भी है जिसमें हम चाय स्टोर करके रखते हैं ज्यादा बना के। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज चाय ही दिखा दे, क्योंकि वी ऑल आर चाय लवर्स समहाउ। लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही हो गया, बट इट्स ओके, आई सीरियसली लव टी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सो इट्स ओके, होना चाहिए सबको चाय लवर्स। आपके लिए ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, पर ये उन लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट होगा एंड दोज पीपल कैन अंडरस्टैंड मी हु आर ट्रूली आर वेरी बिग चाय लवर्स। ओके चाय लवर्स, तो देखिए अब हमारा दूध भी उबल गया है। नाउ वी विल स्लो द फ्लेम एंड नाउ वी विल ऐड 2 teaspoons ऑफ शुगर, 2 teaspoons of ग्रीन कार्डमम एंड जिंजर। अब हम अदरक को भीने भीने धीमे धीमे पकने देंगे ताकि उसकी खुशबू, उसका अरोमा, उसका फ्लेवर इस दूध और पानी के मिक्स में आ जाए। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। सो देखिए ये धीरे धीरे उबल रहा है और अब मैंने हाई फ्लेम कर दिया है ताकि एक बॉयल आ जाए अच्छे से। तो देखिए एक बॉईल आ गया। एंड देखो कुछ लोग ऐसे चाय बनाते हैं और वो कंप्लेन करते हैं अदरक वाली चाय में कि हमारा तो जी दूध ही फट गया। तो वो दूध इसीलिए फटता है क्योंकि आप उसको धीरे आंच में नहीं पकाते। आप अगर उसे तेज आंच पे पका दोगे, एक बॉईल नहीं आने दोगे, कच्चा दूध, लाइक देखो आपने जैसे स्टार्टिंग में मिल्क डाला एंड उसके बाद ही आपने अदरक और वो पेस्ट डाल दिया आपने एंड फिर आप उसे साथ में उबालेंगे क्योंकि उसका टेम्परेचर भी कम है मिल्क का, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो फटेगा ही फटेगा। सो इसीलिए वो नहीं सूट करता, इसलिए पहले आप मिल्क को अच्छे से गर्म करो, उसके बाद ये अदरक एंड ग्रीन कार्डमम का मिक्स डालें। एंड तो अब देखिए बॉयल आ गया और हमारा दूध फटा नहीं है, ऐसे बनाओगे तो नहीं फटेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड आवर टी लीव्स, 1 teaspoon, 2 teaspoon। नाउ लेट इट कुक ऑन स्लो फ्लेम
ताकि वो भी अपना अरोमा छोड़ें, अपना फ्रेग्रेंस छोड़ें, उसका टेस्ट अच्छे से इवॉल्व हो उसमें अच्छे से धीरे धीरे। कोई भी चीज आप धीरे आंच पे पकाओगे ना वो बहुत टेस्टी बनेगा और अच्छा बनेगा। ये मेरी लाइक वेन एवर आई हैव ट्राइड कुकिंग ना आई हैव सीन दिस। स्लो फ्लेम पे आप ज्यादा देर तक पकाओ इट लाइक इट जस्ट टेस्ट वेरी गुड। तो इसलिए स्लो फ्लेम पे हर चीज बनाया करो, शुरुआत में तेज रखो बाद में स्लो कर दो। तो देखो स्लो फ्लेम है अभी और आप देख सकते हैं कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। वाओ, ओ माय गॉड, द अरोमा इज सो ब्यूटिफुल। नाउ आई लेट इट कुक। ये बिल्कुल वैसी चाय लग रही है मुझे, जैसे हमें चाय की दुकान पे नहीं होती वैसा ही चाय लग रहा है मेरे को बिल्कुल। कुछ बिस्किट्स के साथ सर्व कर दो एंड इट्स रेडी, ऐसा लग रहा है। स्मेल्स बिल्कुल ऑसम। इसको आप स्लो फ्लेम पे ना कम से कम 3 से 4 मिनट पकने देना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आई गारंटी यू। तो देखो अब 4 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे हाई फ्लेम पे एक बार खौला देते हैं। तो देखो ये खौल रहा है, सी दिस इज हाउ द टी लुक्स। एंड इसे तेज आंच पे हम पका लेते हैं, खौला देते हैं। Now our tea is ready. अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम चाय को छान लेते हैं। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म चाय तैयार है और अभी वैसे भी बारिश हो रही है तो इस मौसम में तो चाय बनता है। तो आप भी बनाइए और हमारे साथ रिव्यू शेयर कीजिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज युवा कुक्स।